बज गई बांसुरी। सॉरी सर, सर मैं आप ही का इंतजार कर रहा। कहीं मैनेजर साहब देर तो नहीं हुई? जी नहीं, आप लेट नहीं है, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं। चलिए साहब, अगर आप दो मिनट लेट आते तो हमारे साहब बहुत मेहनत करते, आपके साथ होने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते। आपके साहब की जिंदगी के बहुत कड़े उसूल है। अजी साहब, ये उसूल तो सिर्फ बिजनेस के लिए है, घर में इनका कोई उसूल नहीं। हमेशा अपनी बीवी से डांट फटकार खाते रहते हैं, बड़े ही गंदे किस्म के इंसान है। सुनिए साहब, ये बात आप और मेरे बीच है, इसका जिक्र मेरे साथ कीजिएगा, मेरी नौकरी का है। पक गई बांसुरी, मैं भी अजीब उल्लू का पट्टा हूँ, जज्बात में आकर कुछ भी पक जाता हूँ, न लाए कहीं का। अगर स्टार ने मेरी शिकायत लगा दी तो डेफिनेटली मेरा साहब मेरी छुट्टी कर देगा। इससे पहले वो मेरी छुट्टी करे, मैं अपनी छुट्टी खुद ही कर लेता हूँ। बेटा बीरबल, नौकरी नंबर 5 भी गई। Morning, sir. Morning. Please have a seat. Thank you. आपको कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें मंजूर हैं? मैं आपके हाथ छुट्टी, आप दूसरी शादी मत कीजिए। आप भगवान की मुझे औलाद चाहिए, बे औलाद है, मैं अपने खानदान का नाम निशान नहीं मिटा सकता। निकल जाए यहाँ से। मर्द होने का नाजायज फायदा मत उठाइए, मुझ पर इतना अत्याचार मत कीजिए, भगवान से डरिए। मैं कहता हूँ निकल जाए यहाँ से, निकल जा, निकल जा, नहीं, निकल जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, इस घर में जगह नहीं है तेरे लिए। नहीं भाभी, नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा नहीं करे तो मैं आपके पास कभी नहीं आई। उन्होंने मेरे सारे अधिकार छीन कर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है, और अब दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो घर से मेरे सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपके दोस्त ने मेरे सर से सुहाग का साया ही उठा लिया है। अगर उस घर में मेरी सौतन आ गई तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरे जीते जी मेरा दोस्त दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। एक पत्नी के दिल पर पैर रखकर दूसरी पत्नी की सेज सजाए, उसका अधिकार किसी और को दे, ये सबसे बड़ा पाप है। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ औलाद के लिए, औलाद। और ये दूसरी शादी करके मैं उसका अधिकार नहीं छीनूंगा, बल्कि दोनों हाथ पूरा पूरा न्याय करूंगा। हिंदू समाज इस न्याय का अधिकार नहीं देता जगमोहन। कानून एक पत्नी के जीवित रहते तो दूसरी शादी नहीं कर सकता। न्याय करने का दावा तो सभी करते हैं, पर तेरे जैसे लोग नई पत्नी के आते ही पुरानी पत्नी को मरे हुए लोगों के समान भूल जाते हैं। मैं दोस्ती का अधिकार लेकर आया हूं, अपने जीते जी अपनी भाभी के अधिकार पर किसी को डाकर नहीं डालने दूंगा। मल्ला, भाभी का रिश्तेदार बनने से पहले तू मेरा दोस्त है, 10 दिन के बाद मेरी शादी है, अपने दोस्त की शादी पर तू जरूर आएगा। अगर तू मेरा दोस्त है तो अपनी भाभी के टूटे हुए दिल के टुकड़ों से बरसे देखने नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मोहनलाल, मेरी सूरत देखकर तुझे पिछली बातें याद आ गई होंगी। मुझे तो पिछली यादों का एक एक शब्द भुलाते हुए 25 साल बीत गए। 25 सालों में तू क्या क्या भुला चुका है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे एक एक बात याद है। क्या मालूम था कि 25 साल बाद समय फिर तेरे सामने आकर आ जाएगी। मोहन मत जा, प्लीज, तुझे मेरी दोस्ती की कसम है। तेरी मेरी दोस्ती तो उसी दिन टूट गई थी। नहीं मोहन, मोहन मत जा, इस उम्र में पहुंचकर तेरी एक सांस दुखी है। इस दुनिया के अंधेरों में मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। सुन, तेरी भाभी को छोड़ने के बाद तुझे पता नहीं मैंने क्या क्या दुख पाए हैं, उसकी हाय मुझे खा गई है। सुन, उस दिन वो चली गई, आज तक वापस नहीं आई। बदनामी से मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। लंबी कहानी है मोहन, लंबी कहानी। 25 साल के बाद तू मिला है, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। देख ले हमारा। अरे शहर में तूफान आया है, ये लड़ाई
गई शुरू, ये बरकर को सर पे उठा रखा है, मैं बहरी हूँ या ऊंचा सुनती हूँ? ए मामा तो कंट्रोल में कर, आवाज को जरा सुर में ला। इनसे मिलो, ये मेरी बेगम दोस्त, ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त। इसमें सिर्फ एक ही खासियत है कि हिंदी में उर्दू और उर्दू में हिंदी मिक्स करके बोलती है, इसलिए मैं प्यार से इसे बेगम कभी भाग्यवान कहकर बुलाता हूँ। आप क्या पियेंगे? ठंडा पियेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, दूध पियेंगे, शरबत पियेंगे? बस तू होटल का बहरा बन, कभी तो सांस लेकर बात किया कर। चाय पानी से इनका गुजारा नहीं होगा, अभी खाना खाते में खाना खाएंगे, वो भी पूरे परिवार। बैठ बैठ। ये कैसी आवाज है? दरअसल मैंने वर्क पोर्शन किराया दे रखा है। याहू। ये क्या बात है? दरअसल बात यह है भाटा, मेरे पेट पे डांस कर रही है। डांस? दिन भर डांस ही करती रहेगी, कोई काम नहीं। उसे बुला ला, जाओ। प्लीज आप बेटिया अंकल जी से मिलो, ये मेरी मेरी बेटी पिंकी। हेलो अंकल। हेलो, ये जूनियर है? अच्छा अच्छा। काफी हैंडसम और सेहतमंद है। गेट लॉस्ट, अपना होमवर्क कर। ओके डैडी, बाय बाय अंकल। अरे यार तू क्यों परेशान हो गया? नहीं यार, वो परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन यार तेरी लड़की बहुत नॉटी है। अरे इसकी नॉटीनेस से तू मत परेशान हो। एक जमाना था जब आदमी की औलाद उसके अपने ही ऊपर जाती थी, लेकिन आजकल के जमाने में पता नहीं किसकी ऊपर जाती है। अच्छा बात सुन, तू तो कह रहा था तेरी दो लड़कियां हैं, वो दूसरी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। अरे वो तो मेरी बहन की बेटी है। बहन की? रास्ते में तुझे क्या बताता। सुन, दूसरी शादी करते ही मेरी बहन गुजर गई, तो उसकी बेटी हेमा को मैंने गोद ले लिया, और गोद लेते ही भगवान ने मुझे भी एक बेटी। अच्छा अच्छा, वो कॉलेज गई है। सुन, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। ऐसे वैसे मामले में तेरी हालत हमें ठीक रही है, तो बार तो क्या विषय में? मेरा एक लड़का है ना, हाले वो दे दे, तो मैं उसे बताना चाहूँ। ये कोई मैं भी सब फोन, हाँ वहाँ फोन है। हेलो हेलो हेलो, हम मालिक बोल रहे हैं, मालिक यानी हम। हेलो हेलो, मालिक याने हमारा नाम लिखे, नहीं नहीं हम नौकर है, नौकर। मालिक याने इडियट नीचे बैठ। ये क्या बात है जी, क्या कहता था? जी जी जी, मैं वो सोफे के। क्या बकवास कर रहा है जी? राजा कहाँ है? बड़े मालिक वो राजा साहब तो बाथरूम में नहा रहे हैं, बाहर निकल कर नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। जी मालिक। बड़े मालिक का फोन भी अभी आना था। अरे मार गोली बड़े मालिक और छोटे मालिक, चल अपना काम शुरू करें। मेरी बारी थी ना। चार, ये एक दो तीन चार। ओहो तेरा सत्यानाश, रुक जा। हेलो हेलो, मेरी आवाज है? तू कौन बोल रहा है? मैं नौकर बोल रहा हूँ। नौकर कहाँ से बोल रहा है? मैं मुझसे बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रही हैं? क्या बकवास रहा है? मेरा मतलब है आप कौन बोल रही हैं? राजा कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, उल्लू का पटा। ओ जी, वो तो सुबह से घुसे हुए, मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। कहाँ? बाथरूम में। उनसे जाकर कहो आशा का फोन है। जी देख, कोई बेमानी मत करना, वापस आता हूँ। कौन है? मैं हूँ मालिक, बाहर आइए। अबे अब्दुल के बच्चे, कम से कम आराम से नहाने तो दिया कर। ओफो, आप कौन से अनोखे नहा रहे हैं, इतनी देर में तो सात मुर्दे नहा लिए होते, जल्दी बाहर आइए। क्या है? टेलीफोन है। किसका? वो आशा मेम साहब का आया। क्या क्या बोलती है? वो कह रही है कि घर में जवान नौकरानी है, कम से कम उसका लिहाज करते। हाँ ठीक है, हाँ लो आशा, नहा रहो, मेरा मतलब मैं आ रहा हूँ। जब देखो नंगे चले। इतना लाड़ प्यार मत कर, जल्दी चला, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, ड्यूटी पे जाना है मालिक, बट आपने ना थोड़ा तो चमका लिया, अब थोड़ा भी तो चमका दूं। ये लगा मालिक, एक बात पूछूं? पूछ। आपने एक साथ दो दो क्या कहते हैं माशुकाएं पाल रखी हैं। अरे अगर मुर्गी पाली होती तो अंडे तो खाते। तो बाज दे अंडे के बच्चे, कह रहा हूँ ना, दे रही कोटला। अच्छा मालिक, एक बात तो बताइए, ये जो दो लड़कियां हैं उनमें से आप सच्चा प्यार किसे करते हैं? एक बात बताओ मालिक,
मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता चला है कि दोनों में से कौन मुझे सच्चा प्यार करती है। मैं बताऊं मालिक, वो दोनों आपकी जेब से प्यार करती हैं। जी हाँ, और जिस दिन आपकी जेब कट गई ना, उस दिन ये दोनों पतंगे भी कट जाएंगी, और फिर इन दोनों कटी हुई पतंगों को पकड़ने के लिए आप डंडा लेकर रास्ते में भागते हुए नजर आओगे। ये लीजिए। नहीं अब्दुल, नहीं ये बात नहीं, वो मेरी जेब से नहीं मेरे दिल से प्यार करती, उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मेरा दिल मारा। आपकी क्या दिल गुर्दे बेचने की दुकान है? जिस दिन उनका दिल भर गया और आपका गुर्दा सड़ गया, फिर उन्होंने पतंग। उन दोनों से कोई ऐसा करने को तैयार हूं। हार जाओगे भाई। अगर तुझे अपनी बात पर इतना विश्वास है तो तू शर्त क्यों नहीं लगाता मेरे साथ? ठीक है, तो आप उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि आपके पिताजी ने अपनी जमीन जायदाद में से आपको बेदखल करके घर से धक्के मार के निकाल दिया है, क्योंकि आप उनकी पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार नहीं थे, और फिर देखिए उनकी नफरत। अगर फिर भी उन्होंने नफरत नहीं की तो फिर जो चोर की सजा वो मेरी सजा, लेकिन अगर मैं शर्त जीत गया तो फिर मैं जो कहूं वो आपको मानना पड़ेगा। मंजूर है, शर्त बताओ। वो बाद में बताऊंगा। ठीक है। हाय राजा। हाय आशा। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ चले गए थे तुम? आओ बैठो। दरअसल आशा, बोलो ना, चुप क्यों हो गए? ये दूरी कब खत्म होगी? हम शादी कब करेंगे? अभी कर ले। अभी? अपने डैडी से बात कर ली? की थी। वो मान गए? अकड़ गए। क्या मतलब? मतलब ये आशा कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, मेरे डैडी किसी दूसरी लड़की से मेरी शादी करना चाहते हैं। फिर क्या, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आशा से करूंगा और आशा के अलावा किसी से नहीं करूंगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई आशा निराशा अभिलाषा बताशा गुगिया पाशा इस घर की बहू नहीं बन सकती। तुमने क्या कहा? अरे कहना क्या था, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर कोई मेरे बच्चे खिलाएगी तो सिर्फ आशा ही, मुझे किसी दूसरी औरत पर विश्वास नहीं। अरे क्या भरोसा, मेरे बच्चे ही बेच दे। तो उन्होंने कहा? ऐसे मौकों पर अगर माँ बाप गरीब हो तो बच्चों के फैसलों के आगे सर झुका देते हैं, लेकिन अगर बाप अमीर हो जैसा कि मेरा, तो एक तो वो औलाद को जमीन जायदाद से बेदखल कर देता है और दूसरा ठोकरे मार के घर से बाहर निकाल देता है। आशा, मेरे साथ यही हुआ है। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? मैं कहाँ जाता आशा, तू तो मेरा प्यार है इसलिए मैं तेरे पास आ गया। मैंने उस राजा से प्यार किया था जिसका बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो। आशु शट अप, मैंने किसी कंगाल भी से प्यार नहीं किया। आशु आशु, मुझे यकीन है तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आई थिंक गेट लॉस्ट। वो मोटा ठीक ही कहता है, बगैर आदमी कुत्ता हो जाता है, कुत्ता। जिन पैरों से चलकर तू मेरे पास आया है उन्हीं पैरों से चलकर वापस चला जा। ये तुम मुझे कह रही हो निशा? हाँ तुझे ही कह रही हूँ। याद रखो निशा, अगर मैं चला गया ना, तुम जिंदगी भर के लिए रोती रहोगी, समझी? राजा तुम प्यार करने वाले की जी शायद तुम नहीं जानते, अगर कोई मर जाए तो लोग उसे नहीं उसके साथ अपनी मर जाने वाली जरूरतों को रोते हैं, समझे? ये तो खुद मर जा इडियट। क्या बात है मालिक, आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे फांसी पे लटका हुआ मुर्दा। तू ठीक ही कहता था। क्या? वही लड़कियों वाली बात यार, तू शर्त दिया, चल तुझे जो मांगना मांगे। नहीं नहीं मालिक, मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाहता था, मैं तो आपको एहसास दिलाना चाह रहा था। उठो। अरे उठो, मेरा मतलब है उठो। क्यों, क्या तकलीफ है तुझे? आपके पिताजी आए हैं। डैडी है? अरे कब आए, हुआ है, कैसे है? वो आपके डैडी है, मेरे नहीं, ये पता लगाना आपका काम है, मेरा नहीं। थप्पड़ मार के दांत बाहर निकाल दूंगा अगर ज्यादा बकवास की तो। देख अब्दुल, अगर तूने डैडी से कुछ बड़ा सीधा पकड़ा तो देख लेना। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर मैं कह देता कि आप अपनी सहेलियों से मिलने गए तो आपसे पहले आपके डैडी वहां पहुंच जाते, क्यों आपकी माता जी को भी तो मरे हुए। इडियट है कौन? अरे डैडी। हां वो आपके कमरे में इंतजार करते हैं। हाय डैड, हाउ आर यू? वेरी फाइन बेटा, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया। अच्छा वो क्या डैड? अब तू जवान हो गया। लो कर लो बात। आपको अब मालूम पड़ा? नहीं, तू परफ्यूम लगा के बाहर जाता था ना, तभी मैं नोट करता, इसीलिए मेरा रिश्ता पक्का कराया। शुभ
क्यों मुलाल हो गया ना? डैडी प्लीज आप ये रिश्ता वापस कर दीजिए। क्या बकवास कर रहा? अरे मैं तेरे लिए किराए की साइकिल लेके आया हूँ जो वापस कर रहा हूँ? मैं तेरा रिश्ता पक्का करके आया हूँ, वो भी अपने खास दोस्त जगमोहन की लड़की के साथ। देख बेटा, जगमोहन की दो लड़कियां, उनमें से जो तुझे पसंद हो चलकर देख ले, देखेंगे शादी। डैडी प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं शादी नहीं कर सकता। क्या बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं डैडी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फिर तू शादी क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए डैडी क्योंकि मुझे आजकल की लड़कियों पर कतई विश्वास नहीं, वो इंसान से कम उनकी जेब से ज्यादा प्यार करती है। नहीं मेरे दोस्त की लड़कियां ऐसी नहीं है, और देख ये शादी होकर रहेगी, मैं हाँ कर दी। तो फिर ठीक है डैडी, आप शादी कर लीजिए। क्या बकवास कर रहा है, कान खोल कर सुन ले, मुझे शाम तक जवाब चाहिए। अगर तूने ना कर दी तो जायदाद से बेदखल करूंगा तुझे, थक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। मालिक, मालिक क्या तकलीफ है तुम्हें? आपने बड़े मालिक की बात पे कुछ गौर किया? बहुत गौर किया। तो फिर ले आओ लड्डू। हैं? नहीं। तो फिर क्या खास गौर किया आपने? अरे बकवास बंद यार। आपके डैडी ने जो कुछ भी कहा है उसे अगर उन्होंने अखबार में छपा दिया ना तो आपको तो कोई एक पैकेट सिगरेट तक उधार नहीं देगा। बड़े बाप के बेटे हैं आप, नौकरी आप कर नहीं सकते, टोकरी आप उठा नहीं सकते, महंगाई का जमाना है, भूखे मर जाएंगे। आपका चेहरा तो पहले से ही बिल्कुल सूखा हुआ छुआरा हो रहा है, दो चार रोज खाना नहीं मिला ना तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब्दुल मैं ये शादी करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्तें वही लगाते हैं? नहीं नहीं अब्दुल, ये शर्त बहुत जरूरी। अच्छा? हाँ। क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उन लड़कियों के घर जाकर डाका डालूंगा। नहीं नहीं मैं उन लड़कियों के घर जाकर चोरी करूंगा। नहीं नहीं मैं उन लड़कियों के घर जाकर उन्हें परखूंगा। कैसे? उनके पिताजी पकने देंगे? नहीं वो ऐसे कि मैं वहां पर नौकर बन के जाऊंगा और तुम मालिक बन के जाना। हाँ क्या? आप वहां नौकर और मैं वहां मालिक, यानी कि मैं वहां मालिक और आप वहां नौकर? नहीं नहीं मैं नौकरी ठीक हूँ, मैं नौकरी ठीक हूँ। ये मेरा हुक्म है। अरे वाह, कल को उठ के आप कहेंगे डाकू बन जाओ और बैंक में डाका डाल, मैं क्या हुक्म मान लूंगा? अरे मैं कोई पागल हूँ जो तुझे बैंक में डाका डालने भेजूंगा? मैं तुझे डाका डालने भेजूंगा हलवाई की दुकान पर, कुछ खुद खा के आना कुछ मेरे लिए लेना। मालिक ही बने रहिए, डाकू बनने की कोशिश मत कीजिए। अरे मेरी कोई औकात है क्या मालिकों वाली? अबे अच्छे कपड़े और अच्छा खाना तेरी हैसियत ही नहीं, तेरी शक्ल भी बदल देगी। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी ऊंचे घराने में एक अमीर मेहमान जाए तो वो सब कुछ नहीं देख सकता जो एक नौकर क्या देख सकता। ये फैसला मैंने इसलिए किया है कि मैं अपनी जिंदगी के साथी को जान सकूं, उन्हें पहचान सकूं कि किसका कैसा स्वभाव है और किसका कैसा मिजाज। ये मौसम क्या कहता है? पता नहीं, गौर से देखो। Yeah.
मेरा जान सचारा जन्मों का है साथ हमारा खुशियों का संसार तुम्ही हो मेरे दिल का प्यार तुम्ही हो मेरे ख्वाबों में ख्यालों और सांसों में है सगी तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू दर्द रुदाई सह न सकूंगा अंदर तू मेरी धरती तू मेरा अंदर तू मेरी धरती तू अब चार दिशा में है तू ही तू ही तू तू ही तू तू ही तू बेगम ओ बेगम सर देख कर चल रही साहब जी अगर मेरी जगह कोई ट्रक होता तो आपकी तो हड्डी पसली एक हो जाती नहीं ट्रक की ब्रेक तो लगवा सकता हूँ मगर तेरी ब्रेक को नहीं देख 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 कि कीमती सामान तूने तोड़ दिया ये सामान मैं कस्टम्स वालों की आंखों में थू ठोक कर लाया था देख साहब जी मुझे इसके टूटने का जरा भी अफसोस नहीं क्यों क्योंकि आपने भी सरकार की आंखों में मिचलाकर सरकार को धोखा देने की कोशिश देखिए साहब जी मुझ पर रौब मत चलाना मैं लड़की हूँ किसी और टाइप ट्यूब की सुन सुन किसी और टाइप ट्यूब सुन तू सब नौकरों को लेकर करके सफाई करा ले लेकिन क्यों चुप देखो लेकिन क्यों मेहमान आया है घर में कौन मेहमान आ रहा है नौकरों पे तो उठा दे रहे जरा बीबी पे भी कंट्रोल ना करो इसको इसको तो मैं ही कंट्रोल करता हूँ बेगम भाग्यवान जरा आहिस्ता चला करो दोस्त करें यहाँ हमारी दो बेटियों में से एक को सिलेक्ट करने तो क्या शादी के लिए लड़कियां सिलेक्ट करवाओ सिलेक्ट करवाओगे क्यों नहीं नहीं रोशनी के लड़का है अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा अगर उसने हमारी हेमा को पसंद कर लिया तो मैं उससे उसकी शादी कर दूंगा तुम जब भी सोचोगे अपनी बहन की बेटी की सोचोगे पिंकी क्या तुम्हारी बेटी नहीं है वो पैसे वाला घर है वहाँ मेरी बेटी बहू बनकर जाएगी वो तो जिसकी किस्मत में होगा वही जाएगी अब ये सोचो कि तुम्हारा होने वाला दामाद यहाँ आ रहा है तो आने दो आने दो भाई साहब कैची वाले ए मालिक अरे ओ काका जी जगमोहन जी का मकान यही है अरे तू आदमी है आलू जवाब क्यों नहीं देता बोल अरे बोलता क्यों नहीं जगमोहन जी कहाँ है खामोश योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आई एम जगमोहन माफ करना चाचा जी हमसे गलती हो गई ठीक है ठीक है ठीक है तो बेटा जी ये मैंने ये बेटा जी नहीं। बेटा जी नहीं। क्या नहीं? तुम मेरे दोस्त के बेटे हो मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तुम अब आए हाँ हाँ मेरे दोस्त के पिटके हुए नहीं नहीं दूर क्यों जा रहे हैं आ नजदीक आ
देखिए चाचा जी, जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ वही आप सोच रहे हैं। हाँ मेरे दोस्त का सूखा हुआ बम्बू। अरे दूर क्यों जा रहा है, नजदीक आना। चाचा जी क्यों ना किस गरीब का मुँह चाट रहे हैं, आपके दोस्त का बेटा ये सूखा हुआ बम्बू नहीं, वो फूला हुआ तंबू आपके पीछे खड़ा है। आ, आ, मेरे हाथी के बच्चे, बेगम, ओ बेगम देखो कौन आया है। बेटे ये है हमारी बेगम। चाचा जी उल्टे हो जाइए। बेटे ये है हमारी बेगम, लखनऊ की पैदावार। आदाब, पैदावार। आप अपनी बेगम से मिला रहे हैं या बंगोबी से? बंगोबी से। बूढ़े हो गए हो लेकिन परिचय करवाना नहीं। बुढ़ा? मैं तुम्हें बुढ़ा नजर आता? बेटा जी क्या तुम्हें मैं बुढ़ा नजर आता हूँ? नहीं तो, लेकिन थोड़े हिलते हुए नजर आ रहे हैं आप। चाचा जी जब सीधे न खड़े हो सके तो समझ लीजिए बूढ़े की निशानी है। नौकर हो नर की तरह। ए, ए, पिंकी चोरों की तरह चुप कर कहां जा रही इधर। माफ कीजिए चाचा जी, आप लड़की को बुला रहे हैं या मुर्गी को बुला रहे हैं? मुर्गी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। किस बात की? आपका हुआ देख के। तुमने नहीं सब जी, मैंने खाना बना लिया, कपड़े धो लिए, कमरों की सफाई कर दी, जूते पॉलिश। चाचा जी इनका परिचय तो करवाइए। इनका? हाँ। ये रानी झांसी की? नहीं झांसी की नहीं, वो तो शराब मोदी की थी, ये अपनी रानी, घर की नौकरानी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है, अपनी ही बिरादरी की है। बाजा था, बाजा था। माफ करना चाचा जी, सूटकेस सर फिसल गया, मेरा मतलब सर से सूटकेस फिसल गया। तूने मुझे मारा? नहीं चाचा जी, कहीं आपका सर तो नहीं पिचक गया? सर तो नहीं पिचक गया, ध्यान से देख पिचक गया या नहीं। नहीं चाचा जी, अगर पिचक गया होता तो इधर से निकल आता। ध्यान से देख, जरूर पिचक गया है। अभी आप कहते हैं तो पिचक गया होगा। क्यों पिचका? क्यों पिचका? नहीं। अरे 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 अरे, चोली लगी। वैसे भी आपको गिरने पड़ने की आदत नहीं है ना मालिक? मालिक जी हुजूर, वो मेरा नाम है अब्दुल मालिक। वो क्या है कि जब साहब बहुत जज्बाती हो जाते हैं ना तो मुझे मालिक मालिक कह के बुलाते हैं, तो लोग समझते हैं मैं हूँ मालिक और मैं हूँ नौकर। अब मैं वो बेवकूफ है जो तुझे मालिक समझते हैं। बेटा जी मेरी बेटी यहाँ से मिलो। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल हीरोइन जैसा। तुम कुछ भी बोलते रहते हो, नौकर है या भांड? भांड? चाची जी आपको मेरे हाथ में चिमोटा दिखाई दे रहा है क्या? तमीज, ये लखनवी बेगम के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता, तू कैसे बोला है? रानी जी साहब जी, बेटा जी को अपने सोने का कमरा दिखा दो। क्या बेटा आराम करो, फिर डाइनिंग टेबल पर मुलाकात होगी। मैं रानी के साथ जाऊं? हाँ जा। सुनो जी, इसका नाम बदल दो। हाँ। और नौकरों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते। और चाचा जी मैं कहाँ सोऊंगा? तू मेरे बेडरूम में सोएगा। जी जी, तू छत पे सोएगा। क्यों नौकरों के मुंह लगते हो, बुला अपने नौकर को, भेजो इसे सेवंथ क्वार्टर में। ठीक है मनमोह जी, मनमोह जी यहाँ है। मनमोह जी यहाँ हूँ मालिक। कहाँ गया था? पखाना। पखाना? जब देखो पखाना में जाकर बैठा रहता है। घर का नौकर है ये नवाब। सुन इस बदतमीज को पखाना में ले जा, सेवंथ क्वार्टर में ले जा। चल बे। अब ले पखाने पा, पहले अपने टांगे तो हिलाना बंद कर, चल। ये रहा नौकरों का कमरा। वाह वाह वाह, क्या कमरा है, कमरा भी साफ, दीवारें भी साफ, फर्श भी साफ और छत भी साफ। ये तीन फुटा कौन है भाई? ये भी घर का नौकर है। इधर आ, तू इसके जैसा टकला क्यों नहीं है? साहब के ऑर्डर के मुताबिक सिर्फ नए आने वाले नौकरों को टक्कल करना पड़ता है, इसकी तरह। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी नया आ जाएगा। चुप, यही का बच्चा, कहां से इन कार्टूनों के चक्कर में फंस गया, एक बटला दूसरा टकला। तेरी टांग टेढ़ी क्यों है? ऐसा है कि मैं एक लड़की से इश्क करता था, अब उसकी शादी हो गई। अच्छा, बारात के इसकी टांग पर से गुजर गई थी? जिस दिन उस लड़की की शादी थी ना, इसने छत से छलांग लगा दी। अबे ओए जा पानी खिलौने, चल जा मेरे लिए जाके खाना लेके आ। तो अभी खाना वाना नहीं मिलेगा?
पहले साहब लोग खाएंगे, उनके जो बचा खुटेगा वो मिलेगा। बचा खुचा? एक बात और है, किसी चीज की जरूरत पड़े तो यहाँ घंटी वंटी नहीं है, बाहर आके आवाज लगाना, हम दोनों में से कोई आ जाएगा। अच्छा जा, चल जा। मेरी डैडी तो कहते थे कि बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे तो यार नौकर मालिक सब चू अक्रम नजर आते, कहीं कहीं घूमती। बड़ी दीदी मेरी बात कान खोल के सुनना, बहुत जरूरी बात। क्या जरूरी बात है? भगवान की सौगंध है आपको, आप बैठे बैठे यहाँ बूढ़ी हो जाना, कुमारी रह जाना जिंदगी भर, मगर उस बाबूजी के साथ शादी मत करना। तू किसकी बात कर रही है? अरे वही जो आप दोनों को देखने आया है। ओ तो तुम्हारा दिल आ गया है? मैं तो कचरा भी ना फेंकू उसके सर में। क्यों? वो अच्छा नहीं है? नहीं, उसकी आंखों में मैल है बड़ी दी। तुझे कैसे पता? तुमने उसकी आंखों में आंखें डाली थी। हायरा आप मुझे कोई ऐसी वैसी समझते हो? मैं लड़की हूँ किसी और टाइप की। अच्छा, पर तुझे कैसे पता कि उसकी आंखों में मैल है? आंखों में आंखें डालने की कोशिश तो उसने खुद की थी ना। खैर कोई बात नहीं, आपको बताना मेरा फर्ज था, समझो ना समझो आपकी मर्जी। भागा, इसे क्या पता? अगर मैं किसी शादी करूंगी तो इंसानियत से करूंगी, उसके स्वभाव देख। लेडी साफ करने के साथ साथ आप तो अपनी उंगली भी काट जाएंगे। इन चीजों को प्लेट में डालकर बेटा जी के सामने रखो। चलो बेटा जी, चखो। खाओ बेटा जी, खाओ बेटा जी, पेट में भी डालो और कुछ यहाँ भी लाओ उंगलियां चाटने के लिए। क्या हुआ बेटा जी? वक्त तो मेरे मालिक के खाने हैं। मालिक? वो अच्छा वो मालिक। हाँ, 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 मेरा नौकर, मेरा नौकर। बेटा तुम तो खाना शुरू करो, उसे भी खाना भिजवा देंगे। नहीं, जब तक मालिक खाना नहीं खाएगा मुझे खाना खाने का दिल नहीं करता। अच्छा ठीक है ठीक है। मनमोह जी आया मालकिन, ये ले बेटा जी के नौकर को दिया। अरे चाची जी ये क्या, आप मेरे नौकर को खाना दे रही हैं किसी मुर्गी के चूजे को दे रही हैं? इतने खाने से थोड़ी काम चलेगा। डैडी इनके नौकर को सारे का सारा खाना भिजवा, और अगर फिर भी पेट न भरे तो गुरुद्वारे से मंगवा दो। ये क्या कह रही हो? वो ठीक कह रही है चाची जी, अगर कम जाए गुरुद्वारे से मंगवा लीजिए। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, ये ले जाओ मेरे मालिक के लिए, इन्हें नौकर के लिए ये दीजिए। इधर वो भाई वो ये ले जाओ, ये भी ले जाओ, और ये हाँ बस 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 जाओ भाई जाओ ले जाओ ले बराबर खाना। अरे अब लोग कहाँ जा रहे हैं? खाना कब पड़ जाए तो आस पड़ोस के लाओ। नौका नहीं बनी रहे, भिखारिन बनने की कोशिश मत कर। हाँ अरे चाचा जी खाइए ना। खा गया कोई कचो खा रहा होगा, और यह हम वक्त भूख के मारे पेट में चूहे चुचुंद दोनों सारे कूद रहे। अरे आ जाए यार, साले कहाँ थे तुम दोनों? अरे देख यार तेरे लिए खाना लेने गए थे, ले खा। भूख लगी क्या? अरे साले पॉकेट ट्रांजिस्टर तो जनरल वोट का खाना पकड़ा दिया। अरे खा यार, अपन के साथ रह रहे आज करेगा। ओए क्यों भी हो गया? अरे अब भूख क्या हो यार, ऐसे तो भूख लगती है। लड़ो लड़ो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यही कर रहा है? बताओ बीवी जी, हिचकी पर ऐसा लगा जैसे आपका भाभी आधी ऊपर आधी नीचे। चल क्या कुछ कोई आ रही, चल चल नौकरों से और मत डरते सर, एक जगह है मैं नहीं मानी। सुनो नदान है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आंसू लगन दासर ही कहाँ से आएगी, और मैं तो जब तक अपने मालिक की दो चार मोटी मोटी गालियां ना सुन लूं मुझे वैसे भी नींद नहीं आती। हाय 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 हाय, क्या हुआ? इतने बड़े आदमी और दूध पीते हो? ओह नहीं तो क्या शहद चाटूं? मैंने मेन सर जी से कहा। क्या
मैंने कहा कि कॉफी ले जाओ चाय ले जाओ, पर बोली नहीं दूध ले जाओ, लो दूध पी ना जाए। अरे सुन तो क्या तू कितने रोज से यहाँ काम कर रही है? क्यों निकलवाने का इरादा है? नहीं एक, एक सलाह देनी थी। सलाह? ये नौकरी छोड़ दे और मेरे साथ चल ऐश करेगी। साहब जी। हाँ बोलो जी। एक बात समझाओ जी। हाँ बोलो बोलो। मेरे साथ मजाक करने की कोशिश मत करना, मैं लड़की हूँ किसी और टाइप टूप की। अरे तू तो टॉप की लड़की है, लेकिन मेरी बात तो सुन। हाँ। वो जो मेरा मालिक है ना, मालिक है ना वो मेरा नौकर अब्दुल मालिक। हाँ। उसे जरा अच्छे किस्म का बिस्तरा देना, सफेद चादर सफेद तकिया, यानी जरा सोने का मजा आ जाए। बोलो जी। एक बात बताओ। हाँ बोलो बोलो। वो इस घर का नौकर है, दामाद नहीं। जब मैंने बीबी जी से उसके बारे में बात की तो कहने लगी सुनो ऐसा है कि तुम आज यही कहीं सुला दो, कल हम उसका कुछ और इंतजाम कर देंगे, ऐसा बोली। अच्छा, अच्छा। अब आप दूध पी के सो जाओ, मैं चली। नाइट गुड। नाइट नाइट गुड? ये गुड नाइट तो सुना था, नाइट गुड क्या होता है? सुबह साहब से पूछूंगा। अरे क्या खाक पूछूंगा, सुबह तक साहब जिंदा होंगे तब ना, वो तो ठंड से मर गए होंगे। क्या करूं, हाय ये चादर ले जा के लिए। क्या दिमाग है तेरा भी। चाचा जी तू सोने की कोशिश कर रहा है? जी नहीं मैं मरने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब? चाचा जी वो कहते हैं ना सोया मरा एक बराबर, इसलिए मैं सोया मरा एक बराबर। लेटे 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 अचानक मुझे तेरे बचपन की याद आ गई। बचपन में तू जब इतना सा था ना। चाचा जी मैं इतना तो कभी नहीं था। अच्छा इतना नहीं तो इतना ही सही। हाँ इतना हो सकता हूँ। मैं अखरोट की बात सोच रहा था, तू खरबूजे की बात सोच ले। बात यह बेटे जी बचपन में जी तू बहुत प्यारा लगता था। और मैं तेरा मुंह चूम लिया करता था। बहुत बुरी आदत थी आपकी, बहुत बुरी आदत थी, मुझे याद है। बेटे बेटे मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ लेट कर। नहीं मैं ऐसा ऐसा लड़का नहीं हूँ। अरे तू गलत समझ रहा है। क्या? मैं चाहता हूँ यहाँ लेट कर तुझसे कुछ गपशप करूँ। चाची जी चाची जी चाची जी। अरे मैंने तुमको आरामगाह में देखा, दीवान खाने में देखा, बावची खाने में देखा। पुलिस खाने में नहीं देखा होगा। क्या मतलब? मतलब सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं देखा होगा। चलो बच्चे को सोने दो, क्यों तंग कर रहे हो? देखो ना ए, मैंने तुझसे कहा था ये मेरी बेगम है लखनऊ की बदमाश। आदाब आदाब। अब आप जाइए चाचा जी, जाइए। जंगली बिल्ली मत समझना। जब तक आते नहीं कैसे समझ सकता हूं? क्या कहा? नहीं मैं तो चाचा जी के जवाब का सवाल दे रहा था। किसी मेहमान से कैसे पेश आना चाहिए ये भी तमीज नहीं है तुम्हें। चलो चलो, चलो। चाचा जी आप जाते क्यों रही? चाचा जी अरे जब भी कोई मेहमान आता है पीछे ही पड़ जाते हो। पीछे पड़ जाते हो? हे भगवान बात को इनसे बचाना वरना चबा चबा के यही चबा डालेंगे। चादर तो ले लूं। फिर हे भगवान ये किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं? इतनी बड़ी बड़ी सुई वाला मच्छर काटे तो बदन के आर पार हो जाए। चल बेटा राजा सोने की कोशिश कर, यहां तो कम वक्त न खाने के लिए खाना है न सोने के लिए बिस्तर। सो गए क्या? क्यों तू मुझे मारने आया? नहीं 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 मैं तो तुम्हें खतरे से खबरदार करने आया था। खतरा? हाँ? कैसा खतरा? तेरी नियम सोना क्यों ना या के बाल काट जाएगा वो है ना वो टेढ़ी टवा कुछ रहा क्या ना रख लेता है वो ना सो ले रहा। ए टेढ़ पुटे जा तू आटे कनस्तर में जाके सो जा चल। साला खाली पीली अबे सोने दे ना पिटो साला। आ गया साला टेढ़ी टांग वाला, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू गया रे। अब्दुल मालिक अब्दुल मालिक। अरे अब्दुल मालिक तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? देखिए ना मालिक आप यहाँ लकड़े की खाट पर सो रहे हैं और मैं वहाँ नरम नरम बिस्तर पर सो रहा हूँ। फुटबॉल जैसा सर है तेरा लेकिन इसमें अकल बिल्कुल नहीं है।
अगर किसी ने तुझे यहाँ और मुझे वहाँ देख लिया तो सारे केक राय पर पानी फिर जाएगा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बेडरूम की पिछली खिड़की खुली छोड़ कर आया हूँ। हाँ, यानी मुर्गे की बांग के साथ आप यहाँ कर सो जाना और मैं बाहर जाकर सो जाऊंगा। फुटबॉल जैसा सर है तेरा, लेकिन इस वक्त है। अच्छा सुन, जल्दी आ जाना, सोते मत रहना। एक बात तो कहना भूल ही गया, गहरी नहीं मत सुनो, वो चौधरी साहब का नौकर है ना, उसे गंदी आदत है। वो भी नहीं, नहीं, पहले पहले मैं भी यही चिखा था, लेकिन वो सब नहीं, वो सिर्फ जेबें टटोलता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जेब में ब्लेड रखकर सोऊंगा। शाबाश। अरे वाह मालिक, मारेगा मजा सोने का। गुड नाइट। ये नौकर तो मालिक उसे भी ज्यादा बदतमीज है। सूरज निकल चुका है, अभी भी चाचा दाने सो रहा है। ए भाई उठो, चाय लो। अरे भैया मेरे भी ले चाय। चाय हो रही है। राती रात में नौकर का मुंह मालिक से कैसे हो गया? रानी जरा गौर से चेक कर। अरे राम, ये तो सचमुच मालिक से बन गया है। रानी जल्दी सब्जी को बता दे। जवान खूबसूरत बीवी ने रोज रात को लेट घर आने वाले पति को मजा चखा दिया। रात को पति जब घर आया, पति ने उसके मुंह पर तीन चार तमाचे जड़ दिए। सॉरी साजी, रानी, अरे कभी तो अपने आप को ब्रेक लगाकर चलाकर। साजी मैं हैरान और परेशान हो गई हूँ। क्यों, ब्रेक नहीं लगी इसलिए? नहीं साजी, वो हमारा नया मेहमान है ना। हाय हाय, वो नौकरों के कमरे में जमीन पे सोया हुआ है। क्यों, अरे मैं तो उसे बेडरूम में छोड़कर आया था। आप मेरी बात का यकीन नहीं मानते ना, मैंने अपनी आंखों से उसे जमीन पर सोया हुआ देखा है। अच्छा, चल देखता हूँ। जी साहब जी। चाची, आप तो मेरी टांगों पर ऐसे बैठ गए हैं जैसे घोड़ा कमर पे बैठा हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये तो अच्छा हुआ वक्त पर मेरा ट्रांसफर हो गया, वरना ये चाचा तो छड़ी से मार मार मेरा कचूमर डाल देता। लटक को ज्यादा ही नाराज हो। सॉरी यार, मैं कुछ तरह से तुमसे मिलने ही नहीं आ सकी। मैं याद नहीं आऊंगा। दिल में रहने वाले को याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर यहाँ में आने की क्या जरूरत थी? क्यों? दिल में जो रहता हूँ। इसमें क्या शक है? लेकिन हमारे घर में एक नई मुसीबत आई हुई, मेरे डैडी के दोस्त का ब्याह, पता है क्यों? क्यों? हम तो बहनों से किसी एक को पसंद करते हैं। तो उसने पसंद किया? अभी तो किसी को नहीं। उसे तब पसंद करे तो इस दुनिया में उससे बड़ा नहीं होगा। ऐसा तो क्या की बात है? हमें और मेरा बात है, हम याद रखना, अगर तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे घर नहीं आ सकी तो जिंदगी से मुंह मोड़ लूंगी, लेकिन किसी दूसरे को अपना घूंघट उठाने का मौका नहीं दूंगी। पिंकी, अगर ये बात है तो मैं भी कसम खाता हूं कि मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत रहेगी। धीरे धीरे जी। अब्दुल मालिक जी। मालिक यार, नींद भी क्या चीज है? जी हाँ, जमीन पर भी आ जाती है, बस आज से कोई जगह वगैरह नहीं बदलनी। हाँ हाँ, आप यहां सोइएगा और मैं वहां सोऊंगा। यार तुम्हारा भी दिमाग फुटबॉल के जैसा है, कमबख्त जब भी सोचेगा उल्टा ही सोचेगा। अच्छा एक बात सुन, मैंने सोचा है यहां के हर नौकर की छुट्टी कर दूं। क्यों? ताकि मैं इस घर के लोगों से कुछ कनेक्ट हो सकूं। नौकरों की वजह से मैं किसी से जाके बात भी नहीं कर सकता। अगर नौकर चले गए तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि शादी के लायक कौन सी लड़की है। मालिक, आप चाहे घर के हर नौकर को निकाल दें, लेकिन रानी को मत निकालिएगा। क्यों, तेरा कोई चक्कर वक्कर चल गया? आंखों या में इशारे शुरू हो गए? मालिक, आप रानी से मेरी बात चलाइए ना। मैं तेरी बात चलाऊं? जी। तुम्हें क्या कोई शादी करवाने वाला दलाल समझता है? नहीं नहीं नहीं, मालिक मालिक,
अंदर से तो आप मालिक ही है ना, आप चलाइए ना मेरी बात रानी से, प्लीज मालिक। नहीं प्लीज मालिक, नहीं मालिक प्लीज, नहीं मालिक प्लीज। अबे कह दिया नहीं तो नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नो, प्लीज नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 नहीं नहीं नहीं। तो ये रही आपकी लात, मैं तो ये कपड़े उतारने चला हूं, मुझे नहीं बनना मालिक वाली। अबे ये क्या कर रहा है अब्दुल मालिक, पागल हो गया क्या? अरे कोई आ जाएगा तो? हाँ तो आ जाए, मुझे किस बात का डर है, मैं तो वैसे भी नौकर हूँ। मैं कहता हूँ रुक जा। नहीं अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। नहीं नहीं ठीक है, तू मुझे डरा रहा है ना, चल तू कपड़े उतार, तू सारे कपड़े उतार, मेरी तरफ से तू नंगा हो जा। हाँ हाँ सारे कपड़े उतार, नंगा हो जा। मालिक इससे बेहतर ये नहीं हुआ कि आप मेरी रानी से बात चलाएं? प्लीज यार तू भी तो गोंद के जैसा चिपक ही जाता है, तेरे लिए भी करना होगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि तू भी तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। हाँ, वो तो है। पहले मैं उन दो नमूनों की छुट्टी कराऊं। हाँ। मुझे भी तो दो में से एक को करना है। हाँ। आता हूं। आपको दो में से एक को करना है और मुझे एक से दो, तीन चार नहीं दो ही काफी है, गाय भी तो बहुत है। पैंसठ चौसठ तिरसठ बासठ इकसठ। अबे उल्टी गंगा, इकसठ बासठ, चलो तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से। क्यों भाग जाए, हमने कोई मर्डर किया है क्या? अरे मेम साहब की हीरे की अंगूठी चोरी हो गई है। ए होशियार, सार पुलिस बुला लिए, बाहर खड़ी है। अरे बुला लिए तो बुला लिए, कोई बात नहीं, चलो रुकने। सार उनसार। अबे ओए अतजली मोमबत्ती, तू बहुत बोलता है। देखो मुझे मालूम है तुम दोनों ने चोरी नहीं की, लेकिन साहब ने हम तीनों नौकरों का नाम पुलिस स्टेशन में लिखवा दिया है। पुलिस आके मार मार के हम सबका थोबड़ा टेढ़ा कर डालेगी। तेरा तो आगे टेढ़ा है। हाँ। चोरी न करने के बावजूद हम तीनों को चोरी माननी पड़ेगी। अरे लेकिन क्यों? अरे क्योंकि हम गरीब है। रोने से काम नहीं चलेगा। भागो, देखो मैं भी भागा हूँ। लेकिन हम कहाँ भागे, हमारे पास तो खाने का ठिकाना नहीं है। अबे कंगलो, ये लो आधा आधा बांट लो। और सुनो, देखो जब ही चोर पकड़ा जाएगा मैं दोनों को इन्फॉर्म कर दूंगा, अब जल्दी भागो वरना अगर पुलिस आ गई तो उल्टा उस तरह फेंक लेगा। चलो ये दोनों कैक्टस के कांटे तो दूर हुए, चल बेटा राजा अपने मिशन पे लग जा। मेम साहब कोल्ड ड्रिंक। तू यहाँ क्या करने आया है? ओ माफ करना बीवी जी, मैं दो नंबर की बजाय एक नंबर में गलती से आ गया। ये आप क्या पढ़ रही हैं? अरे बाबा तेरी समझ के बाहर है। अरे कहा ना तेरी समझ के बाहर है। माफ करना बीवी जी, लेकिन आपको ऐसी उलझुली किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो मुझे कैसी किताबें पढ़नी चाहिए? लव स्टोरी, गॉन विद द विंड, कार्पेंटर्स, टोपेज, Anna Karenina, Far From the Madding Crowd, War and Peace, Arabian Nights, A Lonely Lady, Neighbor's Wife, Night of January 16, Pride and Prejudice, Doctor Zhivago, वगैरह वगैरह। तो ये सब किताबें पढ़ चुका है? पढ़ चुका हूँ सब, मैं तो घोल घोल के पी गया हूँ सब, सब पी गया हूँ घोल घोल के। मैं आपके लिए वो सारी किताबें ले आऊंगा जब अगली बार आऊंगा। मेम साहब ये कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। आगे पाल पाल के क्या देख रहा है? चल मेरे साथ कपड़े सुखा। मेरा हाथ क्यों पकड़ा? छोड़ मेरा हाथ। तेरा सत्यानाश हो, तेरा खाना खराब हो तो कहीं कभी ना रहे। तुझे आँख मारता है? रानी मेरी बात सुनो। तेरी बात अच्छा सुनो। मैं अभी साजी को कहूँ। रानी, 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 रानी। क्या है? रानी मैं तेरे लिए एक पैगाम लाया हूँ। पैगाम? हाँ। कैसा पैगाम? अपने मालिक का। हैरान मैं मर गई। नौकरों की नाक कटा दी तूने। पार्ट टाइम ये काम भी करता है तू? रानी ये सब काम मुझे मजबूरी करवाती है, अब ये मेरा कोई बिजनेस थोड़ी है। पर रानी ये बता तूने क्या जादू कर दिया है? किस पर? मेरे मालिक पर। हाँ अरे उन्होंने जब से तुझे देखा है पता नहीं उन्हें क्या हो गया, रात को नींद में उठकर रानी रानी बरबाते रहते हैं। हाँ तुझसे मिलने के लिए नींद में उठकर मेरे कमरे में आ जाते हैं और मुझसे ऐसे लिपट के सो जाते हैं। वो तो मेरे साथ की लड़कियों को देखने आए। बहुत बेवकूफ है तू, बहुत ही बेवकूफ पगली लड़की। ये दिल की बात, दिल कब किस पे आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। और फिर हमारे मालिक तो बहुत ही मस्त और नौकर तबीयतदार। तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? अरे तुझे पता नहीं उन्होंने तेरे बारे में क्या क्या बातें की हैं। क्या
क्या बातें की? अरे क्या बातें की, उन्होंने कहा रानी बहुत खूबसूरत है, मुझे उससे प्यार हो गया है, मोती जैसे दांत हैं उसके, हिरनी जैसी गर्दन है उसकी, नहीं नहीं हिरनी जैसी आंखें हैं उसकी, सुराही जैसी गर्दन है उसकी, मखमल जैसा कोमल बदन है उसका, और चुप क्यों हो गया? और क्या कहा उन्होंने? अरे उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, पर मैं भी तो भूल जाता हूँ ना कमबख्त। भुलक कर कहीं का। अरे अरे रानी सुनो, मेन पॉइंट तो भूल ही गया। हाँ। मोटे पेट अंदर कर ले, रानी आ रही है। बीबी जी हा? ये पूछने थे कि पैंट शर्ट किसके रूम में रख दूं? मेरे पैंट शर्ट है, उधर रख दो। अच्छा नौकरों की यही तो मुसीबत है, किसी की चीज पहचानते ही नहीं। अब क्या है? ओ माफ करना बीबी जी, नौकरों के संग चला रहा हूँ, लेकिन लड़कियों को ये मर्द वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्या है कि बदन अजीब सा हो जाता। Shut up, you idiot, and get lost. ना 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 ना, काली मत आला, अंग्रेजी मुझे भी आती है, फिर मैं भी निकालूंगा। तू क्या निकालेगा? Shut up! Bloody nonsense, bloody fool, bloody Mary. उदाहरण के तौर पे रहा था, सैंपल आपको नहीं कह रहा था, please don't. Oh my God, तुझे अंग्रेजी भी आती है? अरे बीबी जी, अंग्रेज यही तो एक काम की चीज छोड़ गए हैं, वरना क्या छोड़ गए? कुछ भी। तू बहुत पहुंची हुई चीज है। वो तो बस ऐसे ही जरा भगवान की कृपा है, क्यों शर्मिंदा कर रही है? अब क्या हुआ? वो बीवी, वो मेरे मालिक है ना। क्या हुआ तेरे मालिक को? अरे आप तो जानती हैं कि वो आप दोनों बहनों में से एक को सेलेक्ट करने आए हैं, अगर आप मुझे कॉन्फिडेंस में लेकर अपने दिल का हाल बता दें तो मैं हेमा जी का पत्ता काटकर आपको उनके साथ फिट करा सकता हूँ। उनसे कह दो कि मेरे बारे में सोचना छोड़ दे, मैं अपनी मर्जी के स्कूल में गई हूँ, अपनी मर्जी का खाती हूँ, अपनी मर्जी का पहनती हूँ, और शादी भी अपनी मर्जी से करूंगी। हाँ हाँ ये बात तो है, मैं भी यही कहने वाला था, क्या है कि वो आपके साथ अच्छे नहीं लगेंगे, बाप बेटी लगेंगे। अच्छा बीवी जी, अब क्या पूछना है? बीवी जी मेरे बारे में आप क्या ख्याल है? सत्यानाश तेरा, ये मोर मसूर की दाल, मेरी पसंद इतनी थर्ड क्लास नहीं हो सकती। क्यों बीवी जी, मुझ में क्या खराबी है? नहीं प्लीज स्पेसिफाई माय डिफेक्ट्स, क्या मैं काना हूँ, लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, या मेरी नाक बहती है? नहीं नहीं प्लीज टेल मी, आई विल बी ऑब्लाइज्ड। यू गेट लॉस्ट, आई से गेट लॉस्ट। ठीक है बीवी जी अंग्रेजी मुझे भी आती है। हाँ समझ लेना, क्या मुसीबत है, कमाल है, और कितनी देर टहलता रहूंगा यूं ही। टाइम देखना तो आता नहीं, फिर भी घड़ी पहन ली स्टाइल के लिए। अरे मैं तो तंग आ गया हूँ नौकर पेशा इंसानों से, अरे मैं भी तो दो घंटे शीशे के सामने बैठकर मेकअप करके आई, बताओ ना कैसे लग रही हो? बकवास, थर्ड क्लास, थर्ड ग्रेड। सत्यानाश हो उस मुए का, वो झूठ बोलता था। कौन? वो आपका नौकर। मेरा नौकर? क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। सच? बेवकूफ गधा, नौकर पेशा इंसान, अरे उसे आटे दाल मिर्च मसाले किसी का रेट पता नहीं, उसे मेरी पसंद के बारे में कैसे पता चल गया? फिर भी मैं तेरे बारे में सोचूंगा, हो सकता है सोचते सोचते मुझे तू अच्छी लगने लगे, तू ट्राई करती रहे। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तू मेरे बारे में ऐसा सोचे। तू? हाँ हाँ तू, तू कहीं से असलियत का पता तो नहीं चल गया? मेरी बात कान खोल के सुन ले। हाँ। मुझसे बढ़ चढ़ के बात मत करना, मैं लड़की हूँ किसी और टाइप की। अरे मगर कहाँ चली? जहन्नुम में। तो ऐसा करते ना, दोनों साथ मिलकर जहन्नुम में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। सच सच सच। तुम से मैं हूँ तुम।
किताबें ले आए, लीजिए। भगवान का नाम लेके पढ़ डालिए और फिर मुझे बताइए कि ने पढ़ के मजा आया कि नहीं। तुझे ये किताबें कैसे मिली? अरे ढूंढ डांट के खुद ही बाजार से ले आया। मगर इन किताबों के बारे में तुझे कैसे मालूम? अरे बीवी जी, फ्लोरा फाउंटेन में फातिमा बिल्डिंग के पीछे फुटपाथ पर किताबें ही तो बेचा करता था। तू किताबों की दुकान लगाता था? हाँ जी। मगर ऐसी किताबें फुटपाथ की दुकान में तो नहीं बिकती, और एक अनपढ़ गवार इन किताबों के बारे में तो नहीं जान सकता। तू कितना पढ़ा लिखा है? ऐसे थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। मैं नहीं मानती, सच सच बता, तू कितना पढ़ा लिखा है? बी। क्या? बी, बी है। ये? फर्स्ट क्लास फर्स्ट। फर्स्ट क्लास फर्स्ट? Why are you looking at me so disbelievingly? I'm not telling you a lie. Why don't you believe me, really? अरे कमाल है, फिर तू ये मामूली नौकरी क्यों करता है? मजबूरी बीवी जी, मजबूरी। आप अमीर लोग मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, और मैं बेचारा गरीब मुंह में लोहे का करछुल लेके पैदा हुआ। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्रीज तो दे देते हैं, लेकिन नौकरी देने की जिम्मेदारी नहीं लेते कमबख्त। हाय बीवी जी, एक बात पूछूं? बोल, क्या पूछना चाहता है? पूछना यह चाहता था कि मेरे मालिक के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने तेरे मालिक के बारे में कभी नहीं सोचा। पर वो तो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। उनका सोचना गलत भी हो सकता है। पर कल उन्होंने आप दोनों बहनों के नाम की चिट डाली थी। फिर? अरे फिर क्या, उसमें आपके नाम की चिट निकली? उनसे कह देना वो चिट फाड़ दे। क्यों बीवी जी, उन्होंने तो बहुत प्यार से निकाली थी। बीवियां चिट से नहीं, किस्मत से मिलती है, और फिर मेरे और उनके विचार नहीं मिलते। बाय द वे, आपके क्या विचार हैं? आई मीन आपका दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि वो शरीफ हो, पढ़ा लिखा हो, हसमुख हो, जो मुझे समझ सके। अगर मैं दिन को रात कहूं तो वो इनकार न कर सके। और बीवी जी? उसे कोई दुखी ना हो, और हाँ, ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो अमीर हो। जी बीवी जी, छोटे अरे बोल ना। छोटा मुंह और बड़ी बात, वो सारी खुबियां मुझ में। गुस्ताखी माफ करना बीवी, पर मेरी शिकायत मालिक से नहीं करना, नहीं तो वो मुझे ठोकरे मार मार के मार डालेगा। वैसे तेरी बातें मुझे पसंद है, आइंदा ऐसी गुस्ताखी मत करना। पर मालिक से नहीं कहना। हाँ मालिक, मालिक आया। मालकिन वहां क्या कर रहा था? किससे? सोफों से, दीवारों से, फर्नीचर से, बाथरूम से। एक नौकर और किस चीज से इश्क करता है? बहुत बकबक करता है। मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, ये ले और जूते पॉलिश कर। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश? हाँ हाँ ये रहे। इतने सारे मंदिर से उठा के ले आए क्या? बहुत बकबक करता है, चुपचाप जूते पॉलिश कर। अभी रात के 8 बजे हैं। अब आप देवकी नंदन पांडे से हिंदी में समाचार सुनिए। ओफो, तू तो मुझे पागल कर देगा। 8:30 बजे सारे जूते पॉलिश हो जाने चाहिए, समझे? ये तो किसी जमादार का जूता। इसे कहां से पॉलिश करूं? ये तो हलाकू की बेटी की लगती है। लड़कियां क्या इससे तालाब से मछलियां पकड़ती हैं? हाय 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 हाय, इसका मुंह तो फटे हुए बांस के जैसा है। पॉलिश लगाऊंगा तो पॉलिश पूरा मान जाएगी। ये तो किसी मिनिस्टर का जूता है। बेचारे ने वोट मांग मांग के पूरा जूता ही किस तला। ये ठीक, वाह, इसे पॉलिश करने में मजा आएगा। आ गया, ये तो लगता है मेरे चेहरे की क्रीम पॉलिश कर देगा। जूतों की श्रद्धांजलि। बहुत मजबूत हाथ है, बचपन में गदा उठाया करते थे क्या? क्या कर रहा था? बूट पॉलिश। बूट पॉलिश कर रहा था या जूतों से फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था? अगर स्टंप टूट जाता तो? टूटा तो नहीं, लगता है फुल टॉस था। बदतमीज, जबान चलाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? बदमाश, बच के नहीं जा सकता तू। खबरदार, मुझ पर हाथ उठाना, नहीं तो रिश्ता तोड़वा दूंगा। कहते रहो, बेटी कुंवारी रह जाएगी।
नौकर भी बदतमीज, बेगम भी बदतमीज। ओफो, क्यों सर पीट रहे हो, पागल हो गए हो क्या? खामोश। पूछने आया था, हिमा कहाँ है? अपने कमरे में किताब पढ़ रही है। राजा कहाँ है? अपने सर चढ़े नौकर से पैर दबवाने का इंतजार कर रहा होगा। और पिंकी कहाँ है? अपनी सहेली से मिलने गई है। सहेली से मिलने गई है? इस वक्त किस सहेली से मिलने गई है? घूमे फिरे, पिक्चर देखी, और ये भी छपुरी की यहाँ आकर चाय पियूं। अब इजाजत हो तो चलो। पिंकी, मेरा तो दिल यही चाहता है कि तुम हमेशा मेरे सामने इसी तरह बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। नहीं अमित, कल मिलेंगे, बहुत टाइम हो गया। मम्मी डैडी खामखा परेशान होंगे अगर देर से पहुंची तो। ओके बाय। अरे पिंकी, पिंकी अब क्या बात है? कुछ नहीं, पैदल जाने का इरादा है। ओह थैंक यू। मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ाता हूं। ओह माय गॉड, बाहर तो बहुत जोर का धुआं आया हुआ लगता है। अब मैं घर कैसे जाऊं? देखो, इस समय जाना खतरनाक हो सकता है। तूफान रुक जा, फिर चली जाना। हाँ चल। पता नहीं ये तूफान कब रुकेगा, मम्मी डैडी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भाई जब ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो कोई भी क्या कर सकता है। अब तो लाइट भी चली गई। तो क्या हुआ, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है अमित। पास होते हुए भी लो मैं लाइट कर देता हूं। नहीं तो उसी दिन उड़ गई थी जिस दिन तूने मेरे घर में जन्म लिया था। तेरे पैर में चप्पल, सर में कपड़ा, बोल वो तेरी कौन सी सहेली है जिससे इस तूफानी रात में तू मिलने गई थी? बोलती क्यों नहीं, वो किस बाप का खून है जिसने तुझे नंगे सर नंगे पैर घर वापस आने की सलाह दी? नाम बता उसका। ये क्या शोर मचा रखा है, क्यों हर वक्त बेटी के पीछे पड़े रहते हो? अब वो बच्ची नहीं रही, अपना भला बुरा सोच सकती है। जा बेटी, अपने कमरे में जा। भगवान बेटियों को उतना ही लाड़ प्यार दे जो माँ की आंखें और बाप का सर ऊंचा रहने दे। घर से बाहर जाए तो उन पर नजर रख, वो घर वापस आए तो उनकी चाल पहचानने की कोशिश कर। रात के अंधेरे में सफर करने वाले अक्सर राह से भटक जाते हैं। Oh,
यहाँ क्या कर रहा है? वो दरवाजा खुला था बीवी जी, तो मैंने सोचा पूछ लूं क्या लेंगी। चल ले या। क्या? जो तेरी मर्जी। लड्डू ले आऊं? चल भाग यहाँ से। हेलो अमित है? साहब बाहर गए हैं, आप कौन बोल रही हैं? मैं पिंकी। कहाँ गए हैं वो? पता नहीं, मालकिन का फोन आया था, काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं। कुछ कहना है उनसे? आए तो कहना कि मेरा फोन आया था, बहुत जरूरी काम है, मैं फिर फोन करूंगी। ठीक है। बेटा जी। चाचा जी। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे नहीं, परेशानी किस बात की। लेकिन आपको मुझसे तो कोई परेशानी नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, हाँ बस मेरी परेशानियां तो तुम्हें देखते ही दूर हो गई थी। अच्छा बेटा जी, जी एक बात तो बताओ। हाँ। यहाँ तुम्हारा दिल तो लग गया ना? हाँ बस अब। किससे? मेरा मतलब है इस घर के वातावरण से, इसके माहौल से। कोशिश कर रहा हूँ चाचा जी। कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा चलो ठीक है। देखो बेटा, एक नसीहत है। क्या चाचा जी? ये तो तुम मानोगे कि जिंदगी में स्मार्टनेस की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरत है चाचा जी। तो ऐसा करो कि इस गुब्बारे से जरा हवा निकाल दो। ये क्या है? ची ची। चाचा जी, ये तो भगवान की दी हुई चीज है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो वही बात हुई कि मैं आपसे कहूं कि आप, हाँ क्या आप अपना चेहरा बदल दो? नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा, मेरा जो चेहरा है ना, इसकी जो कॉम्पोजिशन है ना, ये ठीक है। भगवान ने इसका नक्शा बनाया था छुट्टी के दिन, यानी कि इतवार के दिन। इतवार के दिन? बेटे तुम खड़े क्यों हो गए? चाचा जी मेरी पुरानी आदत है, जब भी चाय आती है ना मैं उठकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं खड़ा होता हूँ, तुम बैठ जाओ बैठ जाओ। चाय लीजिए ना चाचा जी। तुम पियो। नहीं आप लीजिए। नहीं तुम पियो बेटे। नहीं पहले आप लीजिए ना चाचा जी। तुम पियो। थैंक यू थैंक यू। किसकी घंटी बज रही है? आपकी नहीं चाचा जी, टेलीफोन की घंटी बज रही है। लगता है गाड़ी लाइन पर आ गई है। लाइन पर नहीं, स्टेशन पर। मालिक, यहां आकर आपको बहुत जलील होना पड़ रहा है। ये जल्लत मैंने खुद ली है। अब्दुल मालिक, इंसान को अपने मकसद तक पहुंचने के लिए कभी कभी जलील भी होना पड़ता है। मेरा मालिक महान। कुछ कहा? हेलो हेलो, कौन? ओ मेरा दोस्त मोहनलाल। मोहनलाल? तेरा बेटा ठीक है, उसकी फिक्र मत कर, मैंने उसे खिला खिला कर डबल डेकर बना दिया है। विश्वास नहीं आता था, तू अपने बेटे से बात कर। ए ए बेटा जी इधर आ 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 मेरे डबल डेकर, आ इधर आ इधर, अपने पिताजी से बात कर। ये ले, अपने बेटे से बात कर। डैडी जी से बात करना जरूरी है। बात कर। ओके बात कर। हेलो बेटे, कोई लड़के पसंद आए? क्या कर रहा है? डैडी बात कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल नहीं। आप चुप रहिए ना चाचा जी, मेरी नौकरी। मालिक तू ही बात कर ले, अब बर्दाश्त के बाहर है, मैं जा रहा हूं। ये कहां गया? हेलो जी, क्या बकवास कर रहा है? साफ साफ बता, कोई लड़की पसंद आई? जी जी जी, मैं रात में आपसे बात करूंगा। लड़की मुझसे क्या मजाक कर रहे हैं? छोटी दीदी चाय ले जाओ वापस, पीने का दिल नहीं कर रहा। क्या हुआ, तबीयत खराब है? कहती है ना ले जाओ वापस, तंग मत कर। तबीयत खराब है तो डॉक्टर बुला लूं? कहती है ना जा। अच्छा
ये दवा आप शाम को खाने के बाद खा लेना। डॉक्टर, परेशानी की तो कोई बात नहीं ना? परेशानी तो होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद। जी? घर जाकर आप अपने हस्बैंड से कहिए मिठाई ले आए, आप बच्चे की माँ बनने वाले हैं। लगता है रात के अंधेरे में किया गया प्यार दिन के उजाले में गुनाह बन के सामने आया है। अमित, अमित, अमित कहाँ है बाबा जी? पुना गए हैं। क्यों? किसी काम के सिलसिले में। कब लौटेंगे? वो तो पता नहीं बेटी। आए तो कह दीजिएगा कि मैं आई थी, मैं फिर आऊंगी। ठीक है बेटी। बेटी, तुम सेठ जगमोहन जी की बेटी हो ना? तुम घर से पूछ के यहाँ आती हो? जी वो जानता हूँ, प्यार चोर बन के किया जाता है और किसी दिन चोरी पकड़ी भी जाती है। बेटी, बदनामी घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है, बाप का सर शर्म से नीचा हो जाता है और माँ का दुख से कलेजा फट जाता है। बाबा जी, ये सब होने से पहले हम लोग शादी कर लेंगे। ये तुम्हारा सपना है बेटी। ये हमारा फैसला है बाबा जी। इस फैसले को बदल दे बेटी। क्यों बाबा जी? इस हस्ती को जानती हो? हाँ, ये तो अमित की माता जी हैं। गुस्सा, हठधर्मी, उसूल इनका नाम है। इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे सामने ये वो दीवार है जो तुम पर गिर पड़ी तो तुम्हारे प्यार का कांच टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसी बेबसी की हालत में अपनी मां के सामने खड़ा उनका बेटा तुम्हें प्यार का सहारा भी नहीं दे सकेगा। मेरी मानो, इन्हें भूल जाओ और जहां तुम्हारे मां बाप कहें वहां शादी कर। सब्जी, सब्जी, सब्जी। लगता चाय ठंडी हो गई। आपके मुंह से धुआं निकल रहा है। मेरी पिस्टन रिंग जो खराब हो गई है। अरे पगली, जब तुम गर्मा गर्म चाय में मेरी उंगली डालोगी तो मुंह से धुआं तो निकलेगा ही ना। तो फिर आप चीखे क्यों नहीं? वो तो इसलिए कि मैं समझा तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। आजकल फैशन है ना, हर लेडी हर लेड़ा का इम्तिहान लेती है। हाँ, पेपर लिखा है, देखो। चले दीजिए। ये बताइए कि आपने मुझे इशारा क्यों किया था? क्या इशारा? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। पता है शहर में एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है। फिल्म? कौन सी फिल्म? 6 बजे का शो है। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है रेहाना डॉटर। रेहाना डॉटर। स्टोरी क्या है? हाँ, ये स्टोरी माँ बेटे की है। क्या होता है कि बेटा मर जाता है, नहीं माँ मर जाती है, नहीं बेटा आके माँ से पूछता है कि माँ मेरा बाप कौन है। रोने धोने वाली फिल्म है। हाँ, बस पूछो मत, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू। मुझे ऐसी फिल्म बहुत अच्छी लगती है। सच? तो अपनी मालकिन से जाके कह दो कि आज शाम को 5 बजे के बाद एक आदमी उनके बीच नहीं रहेगा। हाय हाय, कौन? अरे तुम पिक्चर देखने नहीं जाना? शर्म करो, कुछ देख लेगा। अरे देख लेगा तो देख ले, मैं अपनी असलियत पे आ जाऊंगा, तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी अपने मालकिन से जाके कहती हूँ। अरे वाह वाह मेरी रानी, चली गई। साहब जी, जो भी काम करवाना है मुझसे 5 बजे के पहले करवा लीजिए, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं इस घर में नहीं रुकने वाली। क्यों? तू क्या किसी के साथ भाग कर जा रही है? साहब जी, फिर मजाक। मीन साहब जी, आप साहब जी से कह दीजिए मैं मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं लड़की हूँ किसी और टाइप ट्यूब की। हर लड़की से बेइज्जत होते हो फिर भी मजाक से बाज नहीं आते। अरे ये तो अपनी अपनी बर्दाश्त की बात है। चुप। तुझे जहाँ जाना है चली जा, और हाँ मालिक को बुला के काम समझा दे। ठीक है। अरे वो तो बड़ी दीदी के साथ बाहर गया है शॉपिंग वॉपिंग करने। इस नौकर का कैरेक्टर मुझे लूज लगता है। ऐसे नौकर मालिक के लिए खतरा बन जाते हैं। तो मुझसे क्या कहते हो, अपनी बहन की बेटी को समझाओ। मेरी बेटी तो ऐसे नौकरों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। तो कान खोल कर सुन ले भाग्यवान,
मुझे अपनी बेटी हेमा पर पूरा विश्वास है। बीवी जी, ये आप मुझे कहां ले आई? वो घर मुझे बहुत सुना सुना सा लगता है, चला खुली हवा में घूमते हैं। मालिक जी। बेगम। बीवी जी, तूने किसी से प्यार किया है? गरीब से ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, तो गरीब से क्या पूछना चाहिए? गरीब से पूछना चाहिए कि भले मानस तूने आज रोटी खाई कि नहीं। रोटी तो जानवर भी खाते हैं। अरे गरीब भी तो जानवर ही होता है बीवी जी, सिर्फ पूंछ नहीं होती। गरीबों को ऐसा समझने वाले हैवान होते हैं। बाबा बहुत हो, आपके विचार कितने सुंदर हैं। अच्छा मालिक, एक बात पूछूं? पूछिए बीवी जी। अगर तेरी मालिक ने शादी कर ली तो क्या तू भी शादी कर लेगा? ना। क्यों? वो इसलिए कि मेरे जैसा नौकर शादी में खा तो सकता है, शादी कर नहीं सकता। तुझे ये सोच के दुख नहीं होता? बहुत दुख होता है बीवी जी, बहुत दुख होता है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आपको तो पता है एक नौकर की तनख्वाह क्या होती है। इस तनख्वाह में मैं मुर्गी तो रख नहीं सकता, बीवी कहाँ से रखूंगा। शादी के बाद अगर बीवी को ठीक से नहीं सका तो वो तो यही कहेगी ना कि ना पीटे कल मुहे, ठीक से खिला भी नहीं सकता था तो शादी क्यों की। तलाक मांगेगी या फिर किसी के साथ भाग जाएगी। हर औरत एक जैसे नहीं होती। बीवी जी, बीवी जी, बीवी जी, मैंने आपकी बात पर बहुत टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा होकर बहुत सोचा, लेकिन बात मेरे दिमाग में नहीं आई। मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। किस बात का? यही कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, पर मैं कहता हूँ कि हर औरत एक जैसी ही होती। मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। अरे तू क्यों नहीं मानता? वो इसलिए कि आजकल हर औरत सिनेमा देखने की शौकीन होती, सोना और जेवर उनकी कमजोरी, फिजूल खर्ची उनकी आदत। अब आप ही बताइए, मेरी 300 रुपए की तनख्वाह, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या मेरे साथ गुजारा कर लेगी? मैं बताता हूँ, नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। अगर अच्छी बीवी होगी तो कर लेगी। आप कर लेंगे? हाँ मैं कर लूंगी।
लिए नहीं आई। आपको आई? दिल कहीं और हो तो नींद कहाँ आती है। तो फिर कोई बात करो ना। अभी बातें खत्म नहीं हुई। नया नया प्यार हो तो वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन बातें खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है हमारा प्यार ही रांझा, लैला मजनू, शरीफ फरहाद के जैसा है। हेमा बेटी, अरे बापे, मर गए। डैडी, आप इस वक्त और यहाँ? बत्ती जल्दी देखी तो सोचा चेक करूं कि हमारी बेटी क्या कर रही है। वो मैं यहाँ। तू अभी तक सोई नहीं बेटी? मैं सोने की कोशिश कर रही थी। देख बेटी, इंसान रात भर पूजा पाठ करे तो भगवान के नजदीक आ जाता है, और जवान लड़कियां देर तक जागे तो बदनामी घर के नजदीक आ जाती है। जी डैडी। जल्दी से सो जाया कर। अरे पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? अमित, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सच? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अमित, ये बेशर्म लड़की कौन है? मां जी, ये पिंकी है। हम पूछ रहे हैं कि इस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है जो बेशर्मों की तरह तुम्हारी बाहों में झूल रही है। मां जी, मैं इसे प्यार करता हूँ। अमित, मां जी, हम दोनों एक गलती कर बैठे। हम आपके पास शादी की इजाजत लेने आ ही रहे थे। हम उन आंखों की नींद उड़ा देंगे जिसने इस लड़की को हमारे घर की इज्जत बनाने का सपना देखा है। आज तक हमारे खानदान में ना ऐसा हुआ ना होगा। चल। माँ जी, आप यहाँ? पूना से कब आए? अभी हाँ माँ जी, पर आप अचानक। तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे? हाँ, जात बिरादरी वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि हम अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते। उनका मुंह बंद करने के लिए हमने एक लड़की पसंद कर ली। माँ जी, वो कह के मैं। क्या बात है, तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? क्या तुम्हें हमारे फैसले से इनकार है? नहीं माँ जी, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? कोई दूसरी लड़की पसंद कर ली है क्या? हाँ माँ जी। हमारे बेटे की इतनी हिम्मत कि हमारी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी लड़की को पसंद कर ले? तुम अच्छी तरह से जानते हो अमित कि हमारे बनाए हुए उसूल और हमारे फैसले कभी नहीं बदलते। आप समझते क्यों नहीं माँ जी? बगावत करना चाहते हो तो कर लो। हम भी अपने उसूलों की खातिर अपनी औला को निछावर करके औलाद हो जाएंगे और खुद भी नहीं रहेंगे। नहीं माँ जी, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए। और मेरी जिंदगी नहीं। आपने ठीक ही कहा था बाबा जी, वो दीवार मेरे पैर पर गिर पड़ी है। अमित की माँ उसकी शादी कहीं दूसरी जगह करने के लिए उसे लेने आ गई है। अमित ने मेरी परवाह नहीं की और अपनी माँ का फैसला मान लिया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था बेटी, लेकिन नौकर समझकर तुमने यकीन ही नहीं किया। जाओ बेटी, जाओ और अपने अमित को भूल जाओ। कैसे भूल जाओ बाबा जी, कैसे भूल जाओ? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तूने क्या किया बेटी? प्यार के रास्ते पे चलकर माँ की शर्म और बाप की इज्जत दोनों को मिट्टी में मिला दिया। बाबा जी। बेटी चिंता मत कर, मैं अभी जाके मालकिन से बात करता हूँ। नहीं, उनमें दिल नहीं पत्थर है, और पत्थरों के सामने प्रार्थना करने से भीख नहीं मिलती। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आ,
मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, किसी से नजर का मिलाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको, खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको, ये तिरछी नजर का निशाना बुरा है, ये तिरछी नजर का निशाना बुरा है, निशाना बुरा है, निशाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है। तुम्हारे बिना नहीं कटती ये रातें, न आने का कोई बहाना बुरा है, न आने का कोई बहाना बुरा है, बहाना बुरा है, बहाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है। खुदारा जरा कर नजर दिल जलाना बुरा है, मिला कर नजर दिल जलाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, किसी से नजर का मिलाना बुरा है, मोहब्बत न करना जमाना बुरा है, जमाना बुरा है। पिंकी, क्या बात है बेटी, किसी ने कुछ कहा? देख बेटी, माँ बेटी में कोई पर्दा नहीं होता, बता क्या बात है। मुझे माफ कर दो माँ। मैं सब समझ गई। अरे जवानी मुझ पर भी आई थी, लेकिन मैं तो नहीं बहकी। बता क्या नाम है उसका, बता क्या नाम है उसका, बोल क्या नाम है उसका, बोलती क्यों नहीं, क्या नाम है उसका? उसका नाम पूछकर क्या करूंगी माँ, उसने मुझे धोखा दिया है, उसकी माँ उसकी शादी कहीं और करने जा रही है, मुझे जान से मार दो माँ, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं उसके बच्चे की। खामोश हो जा, खामोश हो जा,
पास पड़ोस में तमाशा देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। नहीं माँ नहीं, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। तुझे जिंदा रहना होगा, अगर तू मर गई तो लोग अफसोस करने आएंगे। हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हमारी जवान बेटी क्यों मर गई? तू इस बदनामी को छुपाने का काम मुझ पर छोड़ दे। तू अपनी जबान बंद रख। इस दुनिया में आने वाले बच्चे को बाप का नाम मैं दूंगी। अगर ऐसा न हुआ तो इस बदनामी के डर से तेरा बाप जिंदा नहीं रहेगा और हम सब जीते जी मर जाएंगे। जीते जी मर जाएंगे। हे भगवान, बेटियां क्या चीज है? इतने नाजुक रिश्ते क्यों इतने भारी होते हैं? ये सिर्फ एक बाप ही जानता है। आ बेगम, मैं अपनी बेटियों के बारे में ही सोच रहा था कि कब इनके कर्ज से हम आजाद होंगे। सुनो जी, बेटी की शादी की तैयारी करो। क्यों, राजा ने किसको पसंद किया है? पसंद क्या, उसने तो हमें मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या मतलब? तुम्हारे दोस्त के बेटे ने हमारी इज्जत को आसमान से खींचकर अपने कदमों पर गिराया है। हमारी बेटी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मोहनलाल मेरे बचपन का दोस्त है, उसका खून इतना गंदा नहीं हो सकता। उसके बेटे पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। मैं पिंकी की माँ हूँ। माँ भी मां, वो भी मां। अगर ये सच है तो मैं पिंकी को गोली मार दूंगा। गोली मारोगे तो पूरा मोहल्ला सुनेगा। दरवाजे पर जमा लोगों को क्या जवाब दोगे? अपने दामन के दाग छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। अपने दोस्त को फोन करो और उसे यहां बुलाओ। उससे कहो, बल्कि उसे मजबूर करो कि वो हमारी बेटी को अपनी इज्जत बनाकर अपने घर ले जाए। हेलो जगमोहन। हाँ, है क्या बात है, फोन क्यों किया? मैंने अपने बेटे को जिस मिशन पर भेजा था उसने पूरा कर लिया कि नहीं? मोहनलाल, तू जिस काम में बिजी है उस काम को वहीं छोड़कर फौरन मेरे पास चला। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जगमोहन, क्या बात है? मोहनलाल, मोहनलाल, मैं रोना चाहता हूं, रो नहीं सकता। मैं फरियाद करना चाहता हूं पर हिम्मत हिम्मत साथ नहीं देती। मैं पागल हो गया हूं। मैं जीते जी मर गया हूं। नहीं, रहते ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे बता, तो सही कहना क्या चाहता है, बात क्या है? मैं बेटी का बाप हूं, कैसे बताऊं? तू खुद ही समझ ले, मेरी बेटी के माथे की बिंदिया गिर गई है, उसकी आंखों का काजल जमीन पर बह गया है। आंखें बंद करके जिसको इस घर में इतनी इज्जत दी, तेरे बेटे ने मुझे लूट लिया। ऐसा नहीं हो सकता।
राजा राजा बड़े माने जी, इसे ले जाइए यहां से। जो कुछ पूछना है घर जाकर पूछना। अगर इसने कोई सफाई पेश करने की कोशिश की तो मैं और ज्यादा जहरील हो जाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है? ये तो मेरा नौकर है। क्या? ये तेरा नौकर है? मैं तेरे नौकर को तेरा बेटा समझकर अपनी बेटियों से शादी करने के सपने सजाता रहा। राजा कहाँ है? जी जी वो राजा राजा डैडी आप यहाँ? डैडी के बच्चे, मेरे दोस्त की इज्जत से क्या खेल किया तूने? इस नौकर को मालिक बना कर ले आया यहाँ। बिलीव मी डैडी, मैं नौकर सिर्फ इसलिए बना था कि जिंदगी में अपने होने वाले साथी को पहचान सकूं कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। इस कमीने ने उस साथी की इज्जत बर्बाद कर दी है। नहीं मालिक, नहीं, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मालिक। खामोश नमक हराम। नहीं डैडी, नहीं, अब्दुल मालिक ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप तो इसे बचपन से जानते हैं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं कहता हूँ इस कमीने को ले जाए यहाँ से, जिसने मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मालिक, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मालिक। आप मुझे मालिक मत कह कमीने, ये शब्द तेरे मुंह से शोभा नहीं देता। दफा हो जाए यहाँ से। मैं बेकसूर हूँ मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ मालिक। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठू, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। चाचा जी, चाचा जी, आप लोगों को जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। पिंकी, पिंकी, सच सच बता दे, सच बता दे कि इसका जिम्मेदार क्या अब्दुल मालिक ही है? उस बदनामी के डर से तेरा बाप जिंदा नहीं रहेगा और हम सब जीते जी मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। पिंकी, 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 क्या हुआ बेटी? कोई भी लड़की अपने मुंह से ये नहीं कह सकती कि किसने उसकी इज्जत लूटी है। उसकी खामोशी उसका जवाब है। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं बेकसूर हूँ मालिक, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ मालिक। तो ठीक कहता है, तो बेकसूर है। नहीं, कसूर तो मेरा है जिसने तुझे मालिक को जैसी इज्जत दी। नहीं मालिक, कसूर तो मेरा है जिसने तुझ जैसे कमीने को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। अरे तुझसे अच्छा तो एक कुत्ता है जो जिंदगी भर कम से कम अपने मालिक का वफादार तो रहता है। नहीं, निकल जाए यहां से। मालिक, मालिक अपना इल्जाम वापस ले लीजिए। चाहे तो मुझे जान से मार डालिए मगर अपना इल्जाम वापस ले लीजिए। मैं बेकसूर हूं मालिक। हर किस नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजर से। बड़े मालिक, बड़े मालिक, मैं बेकसूर हूं। जी तो चाहता है तुझे गोली मार। नहीं मोहनलाल, इसे कह दे ये मुंह काला कर निकल जाए यहां से। चले जाए यहां से। मैं कहता हूं निकल मालिक, मैं कहता हूं निकल जाए से। मालिक निकल, मालिक निकल। और आइंदा कभी अपनी ये मनहूस शक्ल लेके यहां नहीं आना। रानी, रानी, क्या तुम्हें मुझे कुछ शुरुआत समझती है? जब गवाह मौजूद हो तो सच से इनकार नहीं किया जा सकता। रानी, छोटी मोटी गलतियां तो इंसान की मजबूरियां करवाती है। झूठा मक्कार दगाबाज, तूने ऐसा गुनाह करके सारी दुनिया के नौकरों का सर शर्म से नीचा कर दिया। तू झूठा है। तूने मुझे प्यार में धोखा दिया, अपने मालिक का वफादार बनकर तूने उनको धोखा दिया। अब नौकरों पर कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा नौकरों पर? नहीं रानी, नहीं, विश्वास कर मेरा, ये सब झूठ है। चला जा यहां से, चला जा। पूरे वक्त में तो साया भी साथ नहीं देता, फिर तुझे मुझ पर विश्वास कैसे होगा? तू भी यही है क्या? नहीं दोस्त, मर गया दोस्त, मिट्टी में मिल गई दोस्ती। जा, चल जा यहां से। मैं चला जाऊंगा तो किसके कंधे पर सर रखकर रोएगा तू? बेइज्जती सिर्फ तेरी ही नहीं हुई है, मैं भी जलील हुआ हूं जगमोहन। तू फिक्र मत कर, मैं तेरी पिंकी की शादी अपने बेटे से ही करूंगा। ऐसी धूमधाम बारात लेके आऊंगा। बस बस, ये एहसान अगर करना ही है तो कोई भीड़ भाड़ मत लगाना, कोई दिखावा मत करना। रात के अंधेरे में मेरी बेटी को ले जाना, क्योंकि ये तो बदनसीब शादी है जिसका मैं कोई शगुन नहीं करूंगा।
कोई मेहंदी नहीं रचेगी, कोई तेल नहीं चढ़ेगा, कोई सेहरा नहीं बदलेगा। मोहनलाल, तेरा बेटा मान जाएगा ना? नहीं दादी नहीं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता, कुछ भी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुझे ये शादी करनी होगी राजा। नहीं दादी, हिम्मा मेरा प्यार है और डैडी मेरा दोस्त है। मैं आपके दोस्त के लिए अपने प्यार का बलिदान नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने दोस्त के लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा न्याय होगा। ये मेरी दोस्ती का इम्तिहान है राजा। आप इस इम्तिहान में पास होने के लिए मेरे प्यार का सौदा कर रहे हैं डैडी। बेटे, मैं ये साबित करना चाहता हूँ और तू भी हार करके ये साबित कर दे कि तू मेरे दिल का हिस्सा। डैडी, आप अपने जज्बाती बातों से मेरे अरमानों का गला नहीं घोट सकते, नहीं मेरे इरादों को कमजोर बना सकते। मैं हिमा से साथ जीने मरने का वादा कर चुका हूँ और जब तक वो खुद मुझे ठुकरा न दे मैं उसे मुंह नहीं मोड़ सकता, नहीं मोड़ सकता मैं। हिमा बेटी। जी डैडी। क्या कहूं, मैं एक नामुमकिन बात को मुमकिन बनाने के लिए उम्मीद लेके तेरे पास आया हूं। बेटी, इंसान तूफान में बिखरे हुए तीनकों को तो चुन सकता है, पर मिट्टी में मिली हुई इज्जत को समेटा नहीं जा सकता। बेटी, मैं उम्मीद लेके तेरे पास आया हूं। तू अगर अपने प्यार को अपनी बहन की गोद में डाल देगी तो मैं जिंदगी में बदनाम होकर भी चंद रोज जी सकूं। बेटी, घर की इज्जत बचा ले, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। नहीं डैडी, मुझे गुनहगार मत कीजिए। आप अपना सर ऊंचा करके इस घर की इज्जत बचा लीजिए। मैं आपके सर से अपनी हर खुशी निछावर करती हूं। हेमा, आपने मेरा फैसला नहीं सुना? एक वादा तुमने मुझसे भी तो किया था। प्यार में किए गए वादे टूट सकते हैं, मगर बाप की इज्जत को बचाने के लिए किए गए वादे कभी नहीं टूट सकते। अगर मेरे प्यार की थोड़ी सी भी जगह तुम्हारे दिल में है तो मेरी बहन की इज्जत के रखवाले बन जाओ। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो यहां से चले जाओ। मैं यही समझूंगी कि तुम्हारे प्यार में खुद गर्जी थी। जो प्यार तुमने मुझसे किया था वो सब का सब झूठा था, झूठा। बेटा, इसी में हमारी इज्जत है, यही वक्त की पुकार है। अरे, तू यहां इस शहर में? बस कुछ मत पूछ। लेकिन तू यहां क्या कर रही है? तुम्हारे जाने के बाद मालिक ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं काम छोड़कर अपनी माँ के पास आ गई हूँ। लेकिन तू रो क्यों रहा है? क्या कहूँ, छोटे मालिक ने धक्के देकर मुझे भी निकाल दिया। धक्के देकर निकाल दिया? हाँ, लेकिन तू? सेठ जगमोहन की बेटी पिंकी ने, पिंकी, मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उसकी इज्जत लूटी है। बेटे, हट्टे कट्टे जवान हो और बच्चों की तरह रो रहे हो, कौन हो तुम? मैं भी नौकर हूँ बाबा, मालिक की सेवा करते करते मेरी वफादारी पर दाग लग गया। भगवान के द्वार पर खड़ा हूं, अगर यहां भी इंसाफ न मिला तो यही जान दे दूंगा मैं। नहीं बेटे, चलो मेरे साथ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, आओ आओ। बेटे, मैंने तेरी सारी कहानी सुन ली है और मुजरिम भी ढूंढ लिया है। बाबा, कहां है वो? यही, जिस घर में तू खड़ा है। यही? लेकिन अब कहां है वो बाबा? उनकी मां उनकी शादी करने के लिए अपने साथ ले गई है उन्हें। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती बाबा। देखिए,
आपने मुझसे हमदर्दी जताई है तो मेरे वकील बनकर आपको साथ चलना होगा, वरना एक शरीफ खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे माथे पे लगा हुआ नमक हरामी का दाग जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। शादी रोक लीजिए बाबा, ये शादी रोक लीजिए। बेटे, अपनी मालकिन के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हाँ, मैं तुझे वहां का पता दे सकता हूँ, अगर वो पत्थर दिल मान जाए तो अपनी फरियाद सुना देना। नमस्ते। कैसी हैं? अच्छी। नमस्ते। अमित, तुम शायद ये सोच रहे होगे कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की नहीं मिली और माँ की पसंद की लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ रही। आगे क्या हुक्म है? शादी की रस्म के मुताबिक हम तुम्हें कंगना मानने आए हैं। हाथ रोक लो सेठानी जी, अपने बेटे के हाथ में कंगना मत बांधो। इन खुशियों को रोकने और हम पर हुक्म चलाने वाले तुम कौन हो? एक फरियादी इंसाफ मांगने आया है। इंसाफ? इंसाफ किसके लिए? उस भाग्यवान के लिए जो शगुन की मेहंदी लगाए बगैर मां बनने वाली है। तो उस बदनसीब का इस घर से क्या रिश्ता? उस गुनाह का जिम्मेदार कौन है? आपका बेटा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो? किसकी चाल है ये? बताओ कौन है वो? पिंकी। पिंकी है उसका नाम। गुनाह आपने किया और इल्जाम मेरी वफादी पर लग गया। आपको भगवान की सौगंध है साहब जी, एक मालिक की नजरों से गिरे हुए नौकर को जिल्लत की जिंदगी से बचा लीजिए। मेरे साथ चलिए वरना कई घर बर्बाद हो जाएंगे। मेरे साथ चलिए। अमित, तू बोलता क्यों नहीं? इनकी बातों का जवाब क्यों नहीं देता? कह दे कि ये सब झूठ है। नहीं माँ जी, ये सच है। ये पाप करने से पहले तेरे कदम रुक क्यों नहीं गए? तेरी सांस बंद क्यों नहीं हो गई? तेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? आपने सुनो की गुलाम है माँ जी, आपका दिल पत्थर है, आपके इरादे चट्टान है, आपकी शान है, इज्जत है, आपका नाम है, आपके अपने असूल है। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की माँ जी, लेकिन आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। आपने कहा कि हम बे औलाद होके बचाएंगे। मैं आपको जिंदा देखना चाहता था माँ जी। आपको जिंदा देखने के लिए मैं पुस्तली की मौत मर गया। नहीं अमित, तुम नहीं मरे, हम बर्बाद हो गए हैं। जिसका नाम पिंकी है उसे हमारी इज्जत की चादर में लपेट कर ले आओ। इस शादी से जो भी बदनामी होगी उसे हम अपने सर ओढ़ लेंगे। जाओ अमित, जाओ। माँ जी चलिए अमित बाबू, चलिए वरना बहुत देर हो जाएगी। चलिए ना। बैठे हो और उधर भाई साहब पंडित को लेने गए हैं।
लड़का अकेले ड्राइंग रूम में बैठा है, चलो उसके साथ बैठो। नहीं नहीं, इसके माथे पर बदनामी का दाग लगाने लगा हूं, उसके पास बैठने की हिम्मत मुझ में नहीं, मुझे यहीं बैठने दे अकेला। मालिक, तो यहां हत्यारे हत्या करने के बाद शहर छोड़ के चले जाते, फिर तू इस घर को बर्बाद करके यहां क्या लेने आए? मालिक, मेरा यहां आना बहुत जरूरी था। तेरा नमक हरामी करना भी जरूरी था, तेरे इस घर की इज्जत टूटना भी जरूरी था। नहीं मालिक, मैं तो आपकी गलतफहमी दूर करने आया हूं, मैं इन्हें दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, तेरे गुनाह के फांसी पर तो मैं चढ़ने ही वाला हूं, चला जाए इसे, जाता है। इसे आप किसी भी जुर्म की सजा मत दीजिए, ये बेचारा तो कल भी बेगुनाह था और आज भी बेकसूर है। इस नमक हराम की सिफारिश करने वाले तुम कौन होते हो? मालिक, मैं नमक हराम नहीं हूं। इस खानदान के माथे पे जो कलंक लगा है उसका उसका जिम्मेदार ये है। जो धूल इस घर पे गिरी है वो इसके पांव की थी। क्या शोर है, ये नमक हराम फिर इस घर में क्यों आ गया? चाचा जी, चाचा जी, हमने असली चोर को तो ढूंढा ही नहीं और इस साधु आदमी को सजा देते रहे। अब्दुल मालिक बेकसूर है, इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार खुद चल के यहां आ गया है। हाँ चाचा जी, मैं ही आपका कसूरवार हूं, मुझे माफ कर दीजिए। पिंकी कहां है? मैं उसे लेने आया हूं। ले जा बेटा, ये तो अपनी बेटी को विदा करना है, तेरी अमानत है, तू ले जा। क्या ऊपर है वफादार नौकर, हमने तुझे बहुत कुछ कहा, तूने कुछ नहीं कहा, हमें माफ कर दे। पिंकी, पिंकी बेटी, पिंकी, 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 दरवाजा खोलो, पिंकी, पिंकी, दरवाजा खोल, पिंकी, क्या हुआ पिंकी को? देखिए पिंकी को क्या हो गया, दरवाजा नहीं खोल रही। पिंकी, पिंकी दरवाजा खोल, पिंकी, what are you doing inside? Come on, पिंकी। क्या पागलपन है पिंकी, देखो देखो मैं आ गया, होश में आओ पिंकी, पिंकी। बात की सजा दे रही हूँ? जब सब बातें साफ हो गई तो मुझे मुंह मोड़ के क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो।
चल रानी चल, हम यहां से कहीं दूर चलते हैं। चल, चल। मालिक? नहीं, मैं मालिक नहीं हूं। मालिक बनने की सजा मैंने भुगत ली है। मालिकपन हमको शोभा नहीं देता, हम नौकरी अच्छे हैं। चल। रुक जा अब्दुल मालिक, ये मेरा हुक्म है। हुकुम हुकुम हुकुम, मैं किसी का हुक्म नहीं मानने वाला, मुझे किसी का हुक्म सुनने की। मेरे पास आ। मालिक? नहीं मालिक। अरे ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे मालिक कह के बुलाया, क्या तुझे इज्जत नहीं दी? कहां जा रहा था? ये मुझसे कह रही थी बाहर चल के बैठते हैं। क्यों, बाहर गुल्ली डंडा खेलना है क्या? मैंने कब कहा था बाहर जाने के लिए? चल गले लग जा। हाँ। अबे कमबख्त, उधर नहीं इधर, उस पर गोंद लगाए क्या? जब तक वो साला उधर ही चिटकता रहा। अरे अबे गले, तू रो रहा है? नहीं तो। ये ले, बच्चों के जैसे रो रहा है साला। मुंह देख, रो रो के पिचके में फुग्गे के जैसा हो गया। साफ कर। पूछता की माफ मालिक, आपकी शक्ल भी तो पिचके हुए फुग्गे जैसी हो रही है। अरे वो तो हमेशा से ऐसी थी। आज मुझे बड़ी खुशी है, एक नहीं दो दो बेटियों की शादी एक साथ कर रहा हूं। गलत चाचा जी, दो नहीं तीन। ऐसे? हाँ। अच्छा, तुम भी आबादी बढ़ाने की तैयारी में हो? जी। ठीक है, मंजूर है, पर एक शर्त है। क्या? इसे हम अपने घर में रखेंगे। क्यों? ताकि रानी से बार बार टकराने से हम बच सके। जैसे की? नहीं, जैसे की नहीं, हमारी अपनी रानी। अभी आपकी रानी नहीं रही, अब ये हमारी है।